यूपी सरकार की सबसे बड़ी योजना ही आज इसका सबसे बड़ा मजाक का कारण बनी हुई है। किसान कर्ज माफ, ये शब्द सुनने में जितना अच्छा लगता है, इसकी सच्चाई आपको गुस्सा होने पर मजबूर कर देगी। उत्तर प्रदेश में सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने से पहले बीजेपी ने कई बड़े बड़े वादे किए, जिसमें किसानों की कर्ज माफी की बात सबसे महत्वपूर्ण थी। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने किसानों की कर्ज माफी पर काम भी किया, ये हम नहीं खुद बीजेपी के नेता कहते हैं। कई रैलियों और मीडिया को संबोधित करते हुए योगी सरकार के दिग्गजों ने ये बताने में कहीं कमी नहीं की कि लोग तो चुनाव में वादा करते थे लेकिन अब तो चुनाव है नहीं, ये बीजेपी वाले क्यों इस प्रकार ऋण मोचन का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग चुनाव के लिए किसी के पास में नहीं आते, अगर चुनाव के लिए आए होते ना तो चुनाव जीतने के बाद गन्ना किसानों का 22,000 करोड़ रुपए से ऊपर ज्यादा था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक झटके में उन किसानों का, गन्ना किसानों का जो बकाया था वो राशि किसानों के खातों में पहुंचा दी। पहले प्रदेश की जनता को यही लगा कि योगी सरकार में वो बात है जो प्रदेश के किसानों की समस्याओं को समझकर उन्हें सुलझाने का काम कर रही है, लेकिन जैसे ही कर्ज माफी की सच्चाई लोगों के सामने आई हर किसी के होश उड़ गए। 3 रुपए माफ हुआ है, 3 रुपए माफ, 3 रुपए। योजना तो कुछ ज्यादा ही थी, 1,00,000 रुपए की योजना थी लेकिन 3 रुपए के सरकार ने माफ की। कर्ज माफी किसानों के साथ किया गया योगी सरकार का सबसे बड़ा मजाक है। पूरे प्रदेश में अभी तक कई जिलों में कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटे गए हैं, लेकिन एक आंकड़े के अनुसार किसानों की जिस राशि को माफ किया गया है उसे जानकर किसी को भी धक्का लग सकता है। एक आंकड़ों के अनुसार कई किसानों के 100 रुपए तो किसी के 10, तो कई किसानों के 3 रुपए कर्ज माफ हुए हैं। जी हाँ, यूपी सरकार इन कर्ज माफी की तारीफ बटोरने में कहीं भी कसर नहीं छोड़ रही। जिलों के हिसाब से अगर इन आंकड़ों को देखें तो ये तस्वीर और भयानक हो जाती है। इन आंकड़ों पे गौर कीजिए तो कर्ज माफी आपको सिर्फ एक मजाक से ज्यादा कुछ और नहीं लगेगी। आखिर ऐसी कर्ज माफी कर योगी सरकार बताना क्या चाहती है? इनके नेता खुले तौर पर कर्ज माफी की बात करते नहीं थकते और जमीनी हकीकत देखकर हंसी भी आती है और गुस्सा भी। यूपी सरकार द्वारा किसानों की कर्ज माफी की लिस्ट में लोगों के 9 पैसे कर्ज भी माफ हुआ है। अभी तो सिर्फ कुछ जिलों के आंकड़े सामने आए हैं, अगर 75 जिलों की बात करें तो ये आंकड़े और भी अजीब हो जाएंगे। केसीसी 1,00,000 रुपए का था और जो ऋण माफी का सर्टिफिकेट मिला वो 3 रुपए का है। 3 रुपए का जी। क्या लग रहा है सरकार मजाक बना रही है किसानों का कि इस तरीके से? तो मजाक तो उड़ा ही रही है, 3 रुपए माफ करने की क्या जरूरत थी? योगी सरकार से किसानों को काफी उम्मीद थी, लेकिन इन आंकड़ों के बाद हर उम्मीद कहीं खो गई। अपने पहले बजट में योगी सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया था, जिसके बाद किसान इसे अपनी खुशहाली की तरह देख रहे थे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट। किसानों ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि योगी सरकार उनके साथ इस तरह का मजाक करेगी। इन आंकड़ों के बाद नेताओं की बोलती जैसे बंद हो गई है। हर नेता अपने हिसाब से अपने बयान उलट पुलट कर बचने की कोशिश कर रहा है। नेता के लिए अब ये आंकड़े गले की फांस बन गए हैं। कई नेता तो इन आंकड़ों को प्रिंटिंग मिस्टेक बता रहे हैं और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं। नहीं, जिनका कर्ज माफ हुआ है उनको तो चेक द्वारा कर्ज माफ दिया गया है, ऑनलाइन माफ किया गया है। मिसप्रिंट की वजह से कोई कमी आ गई हो जो टेक्निकल है वो ठीक तो ऐसा जो काम हुआ है वो ओरिजिनल है, लेकिन मिसप्रिंट जहां है उसकी गलती है तो उसको देखा जाएगा, बताया जाएगा। चलिए, प्रिंटिंग मिस्टेक एक जगह हो सकती है नेताजी, लेकिन हर जिले के आंकड़ों की कहानी लगभग एक ही है। इसके बारे में कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं। समस्या ये है कि कर्ज माफी के प्रमाण पत्र को बनाने के लिए अधिकारी रिश्वत तक ले रहे हैं। अब नेता या योगी सरकार इस बारे में क्या कहेंगे? अगर हमारी बात पर विश्वास न हो तो शाहजहांपुर की इन तस्वीरों को देखिए। ना ये तुम्हारे गांव में
यहाँ लेखपाल साहब प्रमाण पत्र बनाने के लिए किसानों से रिश्वत ले रहे हैं। रिश्वत देने के बाद इन गरीब किसानों को कर्ज माफी के नाम पर 2 रुपए से 100 रुपए मिले हैं। आखिर किसान खुद को इस वक्त कितना ठगा हुआ मान रहे होंगे। तुम्हारा कर्जा माफी कागज आए, हमें पैसा दे, तुम्हारा काम करें। अच्छा अच्छा, पैसा माफी नहीं, तुमने 100 रुपया देता, 100 रुपया इनकार करी। योगी सरकार को जल्द ही किसानों के प्रति हुई गलती को सुधारना होगा, वरना योगी सरकार का सबसे बड़ा फेलियर बनकर रह जाएगा। कर्ज माफी से किसान कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार इन ठगे हुए किसानों को कितना मुआवजा देती है।